पाली के सुमेरपुर में IFWJ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लॉकडाउन के दौरान आमजन तक खबर पहुंचा रहे पत्रकारों का 50 लाख रुपए का बीमा करवाने की मांग की। साथ ही पत्रकार हस्तपाल सिंह के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की गई। इसके अलावा BDO नारायण सिंह राजपुरोहित की ओर से पत्रकारों से अभद्र व्यवहार करने को लेकर भी अपनी बात रखी। इस अवसर पर इकाई अध्यक्ष सतपाल सिंह मेहरा, वरिष्ठ पत्रकार मोतीलाल राजू चावरिया सहित कई पत्रकार मौजूद रहे। आज मुख्यमंत्री के नाम IFJW इंडियन फेडरेशन जर्नलिस्ट एसोसिएशन शाखा सुमेरपुर की तरफ से ज्ञापन दिया गया है माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्री उपेंद्र सिंह जी राठौड़ के निर्देशानुसार, जिसमें इंगित किया गया है कि दो दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के अशोक गहलोत द्वारा 50 लाख की घोषणा की गई थी उन कर्मचारियों की जो केंद्र में थे लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा नहीं दी गई थी। उन राजस्थान सरकार में सभी संविदा कर्मचारियों, सेवा चिकित्सा जुड़े से कर्मचारियों, उन सभी लोगों को भी जोड़ा गया था, मगर विडंबना रही कि मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मियों को नहीं जोड़ा गया था। उनकी सुरक्षा को देखते हुए 50 लाख की अवधि के अंदर पत्रकारों को भी शामिल करने का अनुरोध किया गया मुख्यमंत्री से। और दूसरा, पाली जिले के पत्रकार हस्तपाल सिंह के साथ पाली मुख्यालय पर मारपीट घटना की निंदा की गई है और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। और इसके साथ ही कल रात को सुमेरपुर विकास अधिकारी द्वारा शिवगंज के पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया।